बड़ी खबर का यूपी चुनाव से पहले मुलायम परिवार में झगड़ा फिर से बढ़ गया है। सीएम अखिलेश यादव ने पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को सभी 403 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची सौंप दी है, लेकिन इससे शिवपाल यादव नाराज हो गए हैं। उधर पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने उन पर फिर से मेहरबानी दिखाई है और एसपी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया है। दिल्ली में आज दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अनुमान है कि इस बैठक के बाद राहुल गांधी कांग्रेस और एसपी गठबंधन को हरी झंडी दे सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुलायम परिवार में दोबारा विवाद क्यों बढ़ गया है। इसलिए बड़ा है क्योंकि अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव को 403 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंप दी है। अखिलेश की इस लिस्ट से शिवपाल यादव बेहद नाराज हो गए हैं। शिवपाल ने ट्वीट करके अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी है। अपने ट्वीट में शिवपाल ने लिखा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे पार्टी को नुकसान हो। 175 लोगों को टिकट दिए जा चुके हैं, ये बात भी ट्वीट करके शिवपाल यादव ने कही है। दूसरी तरफ गायत्री प्रजापति को मुलायम ने राष्ट्रीय सचिव बना दिया है। अखिलेश ने प्रजापति को मंत्री पद से बर्खास्त किया था। सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से अरविंद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि मुलायम परिवार में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अखिलेश 403 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपते हैं, शिवपाल नाराज हो जाते हैं और ट्वीट करके लिख देते हैं कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चल क्या रहा है? कन्हैया, एक बात समझना यहां होगा कि अखिलेश यादव ने अपने जरिए, अपने लोगों के जरिए, एजेंसियों के जरिए पूरी 403 विधानसभा सीटों का सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद उन्होंने 403 लोगों की लिस्ट सौंपी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में यह कहा जा रहा है कि अब एकदम आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अगर हम देखें तो चेहरा अखिलेश यादव है, उनके नेतृत्व में लोग चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और कल शायद यही कारण था कि अखिलेश यादव ने अपने 403 लोगों की लिस्ट मुलायम सिंह यादव को सौंप दी। क्योंकि पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे नए लोगों की लिस्ट जारी की गई, वो प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की तरफ से जारी की गई। उस दौरान अखिलेश यादव ने एक टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बात मुलायम सिंह यादव यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहने का काम करूंगा, और कल उन्होंने जिस तरीके से 403 लोगों की लिस्ट दे दी है उससे उन्होंने अपनी बात कह दी है कि यही लिस्ट जो है वो फाइनल होगी और इस पे भले ही मोहर मुलायम सिंह यादव को लगानी है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपना विचार व्यक्त कर दिया है और आने वाले दिनों में हम समाजवादी पार्टी में बड़ा झगड़ा देख सकते हैं। कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से आर पार की स्थिति बन गई है और अरविंद कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब लग रहा है एक बार फिर से दूर तक जाएगी। अरविंद, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए